हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोग गास के नियम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होता है कि गास के नियम के अनुप्रयोग, जो कि बहुत ही ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब गास के नियम के अनुप्रयोग में हमारा पहला आता है अनंत लंबाई के एक समान सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। यह कैसे आता है? आपको इसको सॉल्व करने के लिए जितने भी गास के नियम, यानी गास के नियम के अनुप्रयोग में जितने भी टॉपिक आने वाले हैं, दो तीन जितने भी आएंगे, आपको इसमें से दो चीज याद करना है। पहला आपका है रेखीय आवेश घनत्व, और दूसरा आपका है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यह याद होना चाहिए, राइट? तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय मतलब एक रेखा से संबंधित, यानी लंबाई से संबंधित कह सकते हैं। जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी रेखीय आवेश घनत्व की? अगर लंबाई को क्या कर दिया जाए, एकांक कर दिया जाए, एकांक का मतलब होता है एक, तो एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब अगला हमारा आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेगा तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो इसके लिए एक काम कीजिएगा, जहां पर रेखीय कहेगा समझ लीजिए रेखा यानी लंबाई से रहेगा, पृष्ठीय यानी पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल होता है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ई, यानी इसकी परिभाषा क्या बनेगी? एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, राइट? तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो हमने इसको लिख लिया है, परिभाषा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई, राइट नाउ? तो यह दोनों फार्मूले याद होने चाहिए, और गास के नियम के अनुप्रयोग के लिए केवल दो फार्मूले याद होने चाहिए। इसको छोड़ के वह दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले क्या है? एक आपका है वैद्युत फ्लक्स है, अब एक आपका है गास की प्रवृत्ति। इसके पहले लेक्चर में हम लोग वैद्युत फ्लक्स को फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा पढ़ चुके हैं। अति सूक्ष्म क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर ईडीए कॉस थीटा आता है, और गास की प्रमेय होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जी। अब जहाँ पर ई का मतलब होता है सफिक्स में, यानी यह वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है ना? तो यह दोनों फार्मूला अगर याद है तो गास के नियम के अनुप्रयोग आप लोग सरलता से सॉल्व कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गास के नियम के अनुप्रयोग का पहला टॉपिक, राइट? चलिए देखिए, हम लोग अब अनंत लंबाई के एक समान सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को प्रूव करते हैं। अब कैसे इसका व्यंजक प्राप्त होता है वैद्युत क्षेत्र के लिए? तो सबसे पहले आपके सामने एक अनंत लंबाई का चालकीय तार AB है, जिसके चारों ओर L लंबाई के एक बेलनाकार भाग यानी गासियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसका फिगर आप लोग समझ लीजिए, यह लंबाई का यानी अनंत लंबाई का एक चालकीय तार क्या है आपका? AB है, जिसके चारों ओर एक बेलनाकार, यह लंबाई के बेलनाकार भाग की क्या करते हैं हम लोग? कल्पना करते हैं। हम फिगर वही यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है? जिसके किसी बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक अल्पखंड dA है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग इसको लिखते हैं कैसे, और इसका एक रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्या है? क्यू बाई एल, जो इसके अभी लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है? चलिए इसको लिख लेते हैं। तब तो हमने इसको लिख लिया है, ठीक है? माना अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक AB है, अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक AB है, जिसके चारों ओर L लंबाई के एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब चालक AB के चारों ओर L लंबाई का एक बेलनाकार भाग है, इसकी कल्पना करते हैं। चालक AB के किसी बिंदु से, अब चालक AB है,
किसी बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, इस पर अल्पखंड क्या है, dA है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, इसके जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्या हमारा क्यू बाई एल है। अब आप लोग बताइए, यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल है, अगर हम लोग इसमें क्यू की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो क्या आएगा, तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा इंटू एल, यानी एल बटे में इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल आएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग नोट करके रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसमें लिखेंगे अपना क्या, सिंपल में आएगा अल्पखंड, अल्पखंड कौन है, यानी अल्प मतलब थोड़ा और खंड मतलब भाग, अल्पखंड कौन है, डी ए, अल्पखंड डी ए के कारण किस बिंदु पर है हमारा, बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स हमने बताया ना केवल दो फार्मूले से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो वैद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से, फाई इक्वल टू क्या होता है, ईडीए कॉस थीटा, इस स्थिति में थीटा इक्वल टू जीरो अंश, तो फाई इक्वल टू ई इंटू डीए, क्योंकि कॉस जीरो का मान वन होता है, तो फाई इक्वल टू आएगा ई इंटू डीए। ठीक है, अब हमने इतना लिख दिया, इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फाई इक्वल ई इंटू डीए है, और हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स जो आएगा, इसका हो जाएगा आपका समाकलन, समाकलन में कौन आएगा, E इंटू डी ए, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा, E तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और समाकलन इक्वल टू E तो ऐसे रहने देंगे, लेकिन डी ए आपका क्या है, यह आपका एक बेलन है, अब बेलन का यह वक्र पृष्ठ है, क्षेत्रफल जिसे कहते हैं, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, लेकिन एच के जगह है एच नहीं, लंबाई हमारा क्या है, ऊंचाई एल है, हमारा इक्वेशन क्या होता है या फर्स्ट। अब हम जानते हैं एक ही जोर, गास की प्रमेय से, अब गास की प्रमेय का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, लेकिन हम जानते हैं कि क्यू, क्यू की जगह हम लोग लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्यू की जगह आ जाएगा लैम्डा एल, और बटे में क्या है एप्सिलॉन जीरो, इक्वेशन क्या हो गया हमारा। दो चीज हम आप लोगों को बताए थे, हमको गास के प्रमेय के अनुप्रयोग में जो भी आता है केवल दो फार्मूले से, एक आपका वैद्युत फ्लक्स के फार्मूले से आता है, और एक आपका गास के प्रमेय से, तो वैद्युत फ्लक्स के लिए हमारा एक समीकरण आया है, एक गास के प्रमेय के लिए आया है, तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या दिखाई दे रहा है। देखिए एक में देखिए बाएं पक्ष में फाई ई है, और समीकरण दो में भी बाएं पक्ष में हमारा फाई ई है, अगर बाएं पक्ष बराबर है तो दाया पक्ष भी तो बराबर होगा, तो E इंटू टू पाई आर एल इक्वल टू दाहिना पक्ष, इसमें क्या है लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन, क्योंकि फाई E बराबर ही तो लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन जीरो आया है, और इसमें फाई इक्वल टू इतना है, तो दाहिना पक्ष भी आपको बराबर हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, हमको वैद्युत क्षेत्र की तो वैल्यू चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू टू पाई आर गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में टू पाई आर, और बगल में क्या है लैम्डा अपान एप्सिलॉन। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं अधिकतर 2 के जगह हमारा क्या आता है 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आता है ना, तो क्यों ना ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर आएगा 1 अपान 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो एक साथ, यानी 2 का गुणा 2 में 4 हो गया हमारा, पाई भी हो गया यहाँ पर, एप्सिलॉन जीरो भी हो गया, बचा क्या 2 का गुणा लैम्डा में 2 लैम्डा, और बटे क्या आ जाएगा आर, यानी हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही होता है इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, यह आपका निगमन होता है। तो इससे संबंधित दो फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे,
एक वैद्युत फ्लक्स से, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाइ इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा, और एक है आपका फाइ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो गास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना।